पत्रकारिता के बाद अब एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की पहल। जी हाँ, सही सुना आपने। और अपने पत्रकारिता में लोहा मनवा चुके वरिष्ठ पत्रकार राकेश भाटी ने अब अगला कदम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी रख दिया है। पत्रकार राकेश भाटी ने श्रमिक मंच संवाददाताओं को बताया कि आज स्वास्थ्य सेवा के नाम पर जमकर लूट खसूट हो रही है और मरीजों को उसका कीमत चुकाना पड़ता है। उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि महंगे उपचार के बावजूद भी लोग खुद को महफूज नहीं मानते, जो कि चिंता का विषय है। और इन समस्याओं को गंभीरता से देखते हुए देहरादून में MI हॉस्पिटल का संचालन किया गया है। हॉस्पिटल के चेयरमैन राकेश भाटी ने कहा कि राजधानी देहरादून का एकमात्र ऐसा MI हॉस्पिटल है जहां गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को सही व किफायती उपचार संभव हो सकेगा, जहां पर एक ही छत के नीचे 24/7 इमरजेंसी ICU, वेंटिलेटर, NICU, ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी व एम्बुलेंस सहित सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काव सहित काफी संख्या में पत्रकार साथी उपस्थित हुए। वहीं रायपुर विधायक उमेश शर्मा ने बताया कि रायपुर विधानसभा के आम लोगों को MI हॉस्पिटल के खुलने से काफी मददगार साबित होगा और विधायक ने हॉस्पिटल के संचालक व उनके समस्त टीम को शुभकामनाएं दी। श्रमिक मंच संवाददाता आलोक शर्मा की ये खास रिपोर्ट। हॉस्पिटल का इनोवेशन का लॉन्चिंग का आप शिरकत किए, किस तरह के देखते हैं इसको, क्या क्या संदेश देना आप सबके माध्यम से और पूरे क्षेत्र के माध्यम से मैं हमारे हॉस्पिटल को शुभकामनाएं देता हूँ और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये मेरा क्षेत्र है और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे इस क्षेत्र के लिए ये एक योगी हॉस्पिटल से होगा और अच्छे से अच्छी सुविधा मेडिकल क्षेत्र में देने में कार्यता के साथ साथ आप सही कदम रख दिया आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किस तरीके से देखते हैं? मैंने कोरोना काल में देखा कि बहुत से अस्पतालों ने और आप सब लोगों ने इसे कवर किया था कि बहुत से अस्पतालों ने अनाप शनाप पैसे की वसूली की, गरीब लोगों को वो इलाज नहीं मिल पाया जो क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। उसको मैंने रोल मॉडल मान के इस अस्पताल का निर्माण किया है और मेरा मानना ये है कि मैं कम जिन पे पैसा कम है उनको अच्छा इलाज मुहैया कराऊँ कम पैसे में। दूसरी बात, मुझे सबसे ज़्यादा पहले ये जो एम्बुलेंस सिस्टम है ठेकेदारी प्रथा वाला, ये वर्चस्व को तोड़ना है जो कि ठेकेदारी प्रथा पे चल रहे हैं जो अस्पताल और वो एम्बुलेंस वालों को पैसा देके उनको मरीजों को खरीदते हैं, उनका इलाज नहीं करते हैं, उनको खरीदते हैं। सबसे पहले मुझे इस प्रथा को तोड़ना है और उस पर जाकर जिससे कि मरीज को सस्ते में इलाज मिले, ना कि एम्बुलेंस वाले को पैसा मिले। मेरा यही है।